हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करा रहा हूँ यूपीपीएससी बीईओ की, ओके, खंड शिक्षा अधिकारी की। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, सेशन रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको मैथ्स का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आज हम लोग पार्ट वन में पढ़ेंगे घनाओं, मतलब घनाओं पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, क्या होता है कि एग्ज़ाम देने जाते हैं और घनाओं पर प्रश्न आ जाता है, तो उसका हम लोग फार्मूला भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको फार्मूला तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, और उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो फार्मूला पूछा जा सकता है, फार्मूला नहीं बट जब क्वेश्चन में आता है कि घनाओं का संपूर्ण पृष्ठ बताइए, तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, घनाओं का जो संपूर्ण पृष्ठ, मतलब पूरा होल पृष्ठ जो होता है पूरा, तो वो क्या होता है। तो उसमें देखिए, सबसे पहले दो दो का मल्टीप्लाई करेंगे, और कोष्टक के अंदर क्या करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब एल इंटू वी, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब बी प्लस एच प्लस एच एल, मतलब ऊंचाई इंटू लंबाई, ये हो जाएगा। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, एल के बाद बी आएगा, बी के बाद एच आएगा, और बी के बाद एच आएगा, और एच के बाद एल आएगा। ओके, तो ऐसे आप याद भी कर सकते हैं। जहाँ पर मैंने आपको बताया था, एल क्या है, हमारी लंबाई है, बी क्या है, ब्रेथ, या कह सकते हैं चौड़ाई, एच क्या है, हमारी हाइट, जिसको कहते हैं ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों, कभी कभार आयतन भी पूछ लिया जाता है कि घनाओं का आयतन क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि घन में तीन, मतलब छः पृष्ठ होते हैं, जिसमें ये लंबाई होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। तो अगर आयतन पूछा जाए, वॉल्यूम पूछा जाए, तो आयतन तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब एल इंटू वी इंटू एच, जहाँ पे एल ऊंचाई, मतलब ऊंचाई सॉरी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आपका आयतन निकल आएगा। ओके, एक बात आता है कि घनाओं के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाओं है ये, ओके, एक ये दीवार, एक ये, एक ये और एक ये, ओके। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब अगर पूछा जाए, तो वो होता है हमारा टू का मल्टीप्लाई तो करना ही है, और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई को ऐड कर देना है, ये लंबाई ये चौड़ाई, ओके, और हाइट का मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो कैसे करेंगे, टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू एच, मतलब ऊंचाई। ओके, देन अगेन नेक्स्ट फार्मूला बनता है कि घनाओं का विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि घनाओं में छः पृष्ठ होते हैं, जिसमें क्या क्या होते हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। इन तीनों का जो रोल है बहुत ही अहम है। ओके, तो इनका स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट में कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा विकर्ण। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः जो दी गई हैं, 12 मीटर की है, 10 मीटर की है और 8 मीटर है, तो कमरे का आयतन व दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारें कितनी होती हैं, चार, तो उनका क्षेत्रफल भी बताना है और आयतन भी बताना है। तो दोस्तों देखिए, एल कितना है, 12 मीटर, वी कितना है, 10 मीटर और एच कितना है, 8 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एल इंटू वी इंटू एच। एल कितना है, 12, वी कितना है, 10, एच कितना है, 8। ओके, 20 दाम 120, 120 में मल्टीप्लाई 8 का करेंगे तो 960 मीटर क्यूब। देखिए दोस्तों, घनाओं का जो आयतन होता है उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है, क्योंकि इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। देखिए साइंस भी लग गई इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। ओके, अब पूछा जा रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो 2 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 8। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, 2 इंटू को ऐसे रखेंगे, 12 प्लस 10 को ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 22 इंटू 8। अब चाहें तुम वैसे भी कर लो, 8 का मल्टीप्लाई 22 में कर लो, या 22 का 2 में मल्टीप्लाई, मैंने 22 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 44, और 44 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 352 मीटर स्क्वायर। ओके, तो दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और आयतन पूछा जाए तो उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखिए, एक और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसा कि दिया हुआ है कि एक घनाभ की विमाओं में
2:3:4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 3000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको घनाभ का फिगर बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हो जाती है लंबाई, ये हो जाती है ब्रेथ, ये हो जाती है हाइट। ओके, देन अगेन इसमें जो बीमाएँ दी गई, मतलब एक घनाभ की बीमाओं में ये रेशियो है। बीमाएँ क्या होती हैं आपको बता देता हूँ। जब भी बीमा तरीका से शब्द आए, मतलब एक घनाभ की बीमाओं में रेशियो दिया हो, मतलब वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई में रेशियो होता है। बीमा क्या होती है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ओके, तो हमने लिख लिया लंबाई रेशियो, चौड़ाई रेशियो, ऊंचाई रेशियो। तो इनमें अनुपात जो दिया है वो 2:3:4 दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, उसका आयतन भी दिया गया है 3000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ओके, तो दोस्तों अगर यहाँ से अगर लंबाई निकालना चाहें तो यहाँ से लंबाई आप कहोगे कि 2 है, ऊंचाई सॉरी चौड़ाई कहोगे 3 है, ऊंचाई कहोगे 4 है। तो ये नहीं होता है। इसमें किसी संख्या, संख्या तो नहीं कह सकते हैं, किसी भी वर्णमाला का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, ए से लेकर जेड तक की किसी भी अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारा कर दीजिए, वो उससे हम लंबाई चौड़ाई और हाइट निकाल सकते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि इसमें हम लोग एक्स का तीनों में एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से हमारी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2x, उच्च चौड़ाई हो जाएगी 3x और ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4x। ओके, अब हमें जैसा कि पता है कि आयतन दिया हुआ है 3000 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो कि दिया हुआ है 3000। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने लंबाई कितनी निकाली थी? 2x, और चौड़ाई निकाली थी 3x और ऊंचाई निकाली थी 4x। अब इनका हम लोग तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इंटू 3x इंटू 4x इज इक्वल टू दिया हुआ है 3000। ओके, अगर आपको एक बार बताता हूँ, x इंटू x इंटू x कितना होता है? ये होता है हमारा x क्यूब। ओके, यहाँ से हमारा हो गया ये x क्यूब। अगर 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करना चाहते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा 3000 को काटने में। तो हम लोगों ने केवल x का मल्टीप्लाई किया और ये जो 2, 3 और 4 दिए हैं इसको बटे में ले गए। ओके, तो x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3000 बटे 2 × 3 × 4। तो यहाँ से 3 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 1000। अब 2 से 1000 काटेंगे तो यहाँ से 500 आ जाएगा। अब 500 को 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। देन अगेन x क्यूब इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 125। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट क्यूब 125। 125 का रूट क्यूब क्या होता है? वो हमें सभी को पता है कि 5 होता है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 × 5 × 5 कितना होता है? 125। ओके, इसका अगर रूट क्यूब निकालें तो कितना आ जाएगा? 5। ओके, क्योंकि रूट क्यूब में 3 का जोड़ा बनता है। अगर 5, 5, 5 तीन बार करें तो 3 का जोड़ा बना दे, वो 1 निकल के बाहर आ जाता है। ओके, देन अगेन अब हमें x की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, तो हम लोग चाहें लंबाई यहाँ से निकाल सकते हैं। l की 2x दिया हुआ है, x का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो देखिए x कितना आया? 5। तो लंबाई में अगर 5 का मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगी, चौड़ाई में x का मल्टीप्लाई करें तो कितनी आ जाएगी? 15, और इसमें x का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 20। ओके, तो हम लोग अभी नहीं करते हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। ओके, तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे? तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है हमारा? 2 × LB + BH + HL। ये आपको पता होगा, मैंने आपको फार्मूला बताया था। अब क्या करेंगे? L, B और H के मान रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो क्या होगा? 2 × (3x + 3x × 4x + 4x × 2x). ओके, अब क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 6, और x का मल्टीप्लाई x में किया तो x² मतलब 6x² प्लस, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 12, x का मल्टीप्लाई x में किया तो x² मतलब 12x², और फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 8, x का मल्टीप्लाई x में किया तो x². ओके, देन अगेन देखिए दोस्तों, प्लस में ये भी है, प्लस में ये भी है, प्लस में ये भी है, और घाते बराबर हैं सभी की, तो ये ऐड हो जाएंगी। ओके, तो 6x² + 12x² कितना हुआ? 18x² और 18x² + 8x² कितना हुआ? 26x². ओके,
26 स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू 26 एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 26 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 26 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया 52 इंटू, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 इंटू 5 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 25। अब 52 का मल्टीप्लाई 25 में कर देंगे कितना आ जाएगा 1300 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इसका क्या आ गया, घनाव का संपूर्ण पृष्ठ क्या आ गया 1300 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल मैं आपको इसका सेकंड पार्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें हम लोग आगे के चैप्टर को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।